भाजी ये है मेरा छोटा भाई शाकिर, जिसके रिश्ते के लिए हम आए हैं। क्या काम काज करता है शाकिर? देखें, हम सीधे साधे से लोग हैं, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। ये एक सेठ के घर में ड्राइवर है, रात को फास्ट फूड का काम भी कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 40-50 हज़ार कमा ही लेता है। देखिए भाई साहब, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, शुक्र है अल्लाह का मेहनत की कमाता है। अस्सलाम वालेकुम। देखें जुनेद साहब, बात होती है नसीबों की। अगर आप लोगों को इतराज़ ना हो तो मैं चाहता हूँ सादी और शाकर एक बार अकेले में कुछ बातें कर लें, एक दूसरे की रजामंदी पूछ लें। वो जी जी, हमको कैसा इतराज़ होगा भला, जाओ बेटी शाकर को छत पे ले जाओ। जी मुझे लगता है आप देखो मिस्टर, तो कोड़ी के ड्राइवर तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तुम जैसों को मैं जूते की नोक पे रखती हूँ, आ गए मुंह उठाकर रिश्ता मांगने। मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वो बहुत अमीर है, इसलिए अपने भाई को उठाओ और चलते बनो, समझे? जी समझ गया। सॉरी अंकल आंटी, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। चले भाई चले यहां से। क्या हुआ बेटे, सादिया ने कुछ कहा क्या? तू आखिर चाहती क्या है? जिस लड़के के पीछे ये सब कुछ तू कर रही है ना, वो अपने माँ बाप को तो मना नहीं सकता, तेरे लिए तेरा साथ क्या निभाएगा? देखो बेटा, हेलो, तुम परेशान ना हो, मैं भी निकलता हूं। किसका फोन था? गांव से सदीक का फोन था। खैर है? वो कह रहा है कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मेरा सूर निकाल दे, मैं गांव जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा, बाकी बातें आके करते हैं। भगा दिया मैंने उस दो टके के ड्राइवर को। वेरी गुड मेरी शेरनी। देखो सर, मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, आप मुझे छोड़ ना देना। टेंशन ना लो मेरी शहजादी। अच्छा सुनो, मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती, आकर मुझे ले जाओ बस। So sweet, रह तो मैं भी नहीं सकता आपके बिना मेरी जान। अच्छा सुनो, एक रास्ता है हमारे एक होने का। कौन सा रास्ता? तुम घर से निकलो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। घर से निकलना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब्बू चाहे गाँव गए हैं, लेकिन अम्मी ने बहुत सख्त नजर रखी हुई है मुझ पर। तो इससे छोर मौका क्या हो सकता है? अम्मी को कोई भी गोली करवा के घर से निकलो, हम जय महफल से खाना खाते हैं सीधा लाहौर निकलते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं फिर वेट कर रहा हूँ। ओके।
अच्छा सादिया, अब ये तो बताओ तुम घर से कैसे निकली? अबू की नींद की गोलियां पड़ी थी, मैंने चाय में मिला के अम्मी को पिला दी। जैसे ही अम्मी सोई मैं घर से निकल आई। ओ सो स्वीट, जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हम होंगे और हमारी मोहब्बतें होंगी। असल में तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है अपना, अब मुझे छोड़ ना देना। कर दी ना वही बात, तुम तो मेरी कुल कायनात हो, मेरी जान। ये तो असद है, इसे तो पिछले 6 माह से ढूंढ रहे हैं। सेठ जी वो देखें असद बैठा हुआ, कमीना 20 लाख रुपए वीजों का लेके भागा हुआ था। आज नहीं ये बचेगा। वाह 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 वाह, हमारी नींदें हराम करके और खुद मजे ले रहे हो। आप सेठ जी? हाँ हम। क्यों, हवा टाइट होगी हमें देखकर? कहाँ है मेरे पैसे? हो क्या रहा है? सेठ जी मेरा गिरबान छोड़ें, मेरे साथ मेरी होने वाली बीवी बैठी है, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लें। ओ तेरी इज्जत की ऐसी की तैसी, मुझे मेरे पैसों का जवाब दो बस। सेठ जी आपको पैसे चाहिए ना? पैसे आपके मेरे पास घर पड़े हुए हैं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको आपके पैसे अभी ला कर दे देता हूँ। तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? सेठ जी हम इसका दोबारा एतबार नहीं कर सकते। तुम ऐसे करो पुलिस को भी कॉल करो। सेठ जी आप मेरा यकीन करें, आप मुझे 20 मिनट दे, मैं आपके पैसे अभी लेकर आ जाता हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता मेरी होने वाली बीवी आप अपने पास रखें, मैं बस अभी आ जाऊंगा। असद जान मेरी 1 मिनट पास सुनो, सिर्फ 1 मिनट जाना, परेशान ना हो, मैं 20 मिनट में यूं गया और यूं आया, मुझ पे यकीन नहीं आपको, फिर खुद ही कह दो उन्हें। सर जी प्लीज आप इसे जाने दें, ये पैसे लेके अभी आ जाता है, जब तक ये पैसे लेके नहीं आता मैं आप ही के पास हूँ इधर। ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी आना, अगर तुम जल्दी ना आए तो तुम्हारी महबूबा पुलिस के हवाले कर देंगे। जी जी सर मैं अभी आया सेठ जी। बैठ जाओ। कहाँ रह गया तेरा आशिक? 20 मिनट का कह के गया है, 1 घंटा हो चुका है, कॉल करो उसे। सर उसका नंबर बंद जा रहा है। चलो उसके घर लेके चलो, उसके घर का तो पता है ना? नहीं सर मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। ये दोनों ही मिले हुए हैं, अली पुलिस को कॉल करो, ये पुलिस स्टेशन जाके ही सब कुछ उगलेगी। नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, और मैं भी उसे जानती भी नहीं हूँ सही से। और मैं जानता हूँ तुम जैसे लड़कियों को। सच कह रही हूँ सर, मैं उसके बारे में आपको सब सच बता देती हूँ। बकवास बंद करो। सेठ जी एक दफा सुन ले क्या कहती है। सर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसने मेरे साथ शादी करने का वादा किया था और मैं उसके कहने पे घर छोड़ के भाग गई, और कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे आज। तौबा, उसने तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया? हमें उसके बारे में पता चला कि तुमसे पहले 9 लड़कियों के साथ वैसा कर चुका है, वो एक प्रोफेशनल मुजरिम है, तुम भी उसके जाल में फंस गई हो। सर प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे घर वापस जाने दें। तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुमको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। शराफत से मेरे साथ आ जाओ वरना खींच के ले जाऊंगा। जी सर मैं चलती हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। सादिया तुम?
जानते हो इसे? जी साहब जी जानता हूँ। साहब जी बताएंगे हुआ क्या है? इसने जानबूझ के अपने आशा को भगा दिया जिससे हमने 20 लाख रुपए लेना है। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो जागीर। साहब जी ये बहुत शरीफ माँ बाप की बेटी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ इसने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है। सेठ जी मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, वो लड़का तो है ही धोखेबाज, इसके साथ भी कर गया। चलो ऐसा करो, इसे इसके घर छोड़ के आओ और इसके माँ बाप को बता के ना इसकी आशिकी बड़े बड़े मुजरमों के साथ है, तब तक हम अंदर बैठे हैं। जी साहब जी आए बैठे। ये लो टिशू, टेंशन ना लो, आंसू साफ कर लो। शुक्र करो तुम बच गए, वरना तुम्हारे अम्मी अबू की बहुत बदनामी हो जाती, तुम उनको जिंदा लाश बनाकर सालों माशरे के रहमो करम पर छोड़ देती। सादिया एक सच्ची और कड़वी बात बताऊं, औरत को मर्द मिलना बहुत आसान है, औरत जिससे दिल करेगा बात करेगी, और हजारों मर्द लम्हों में उसके पीछे लग जाएंगे, और उन्हीं में से वो किसी को चुन लेगी, लेकिन मर्द को औरत मिलनी मुश्किल है, क्योंकि औरत यकीन भी उसी पे करती है जो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो अंदर से कितना ही घटिया क्यों ना हो। जैसे कि आपका असद, औरत जब धोखा खाती है तब औरत को एहसास होता है कि मैंने किस पे भरोसा किया, सच कहे किसी ने चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास खूबसूरत होता है। अब चलें। ये ले आपका घर आ गया, मैं आपके अम्मी अबू को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं अपने वालदैन से नाफरमानी की माफी भी मांगूंगी। मुझे पता चल गया है इस धोखे और मुनाफकत भरे जमाने में अपने माँ बाप ही असल मुहाफिज होते हैं। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं आपकी हमसफर बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में बड़े भाई से बात करूंगा। जी तो बताओ बेटा, शाकर के साथ शादी करके खुश हो ना? हाँ जी वो बहुत खुश हूँ। अच्छा आप शाकिर से बातें करें, मैं अम्मी जान के खाने में हेल्प करके आती हूँ। मोहब्बतों के जाल में मीठी मीठी बातों में उलझकर कभी किसी पे एतमाद न करना, क्योंकि ये दौड़ है दरिंदों का, यहाँ हर मोड़ पे भूखा कुत्ता है, जहाँ इसे मौका मिलेगा नोच खाएगा। संभल जाए लड़की, इससे पहले कि देर हो जाए।